फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा ट्राउजर है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम इक्वल है। हमने जो आयरन किया है तो ये एकदम स्ट्रेट आ रहा है। ये लाइन कहीं से भी झोल या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं आप, एकदम इक्वल है। पर कई बार क्या होता है कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आता है, आयरन करते हैं तो हमारा ये जो है इस तरीके से कुछ आता है। तो ये इसका क्या होता है सबसे बड़ा रीज़न, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो ये इसके दो रीजंस होते हैं जिस वजह से ये है जो आपका है बिल्कुल भी सेट नहीं आता। तो आप इस पैंट में देख सकते हैं कि ये एकदम ही इक्वली है, प्रॉपर अच्छे से ये सेट है। तो ये किस तरीके से इसकी कटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है जो आपका वो चीज़ इस तरीके से ये उठा उठा आता है, तो यही आज इस वीडियो में देखेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन बुटीक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरीके के वीडियोस मैं इस पे लाती रहती हूँ। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जब हम ट्राउजर या पैंट जो है हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से जो है हमारा डायग्राम बनता है। तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो पार्ट है ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए इस तरीके से ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला हमारा ये सर्कल, ये देखिए इस तरीके से शेप आ रही है। तो ये जो है हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और जो ये हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है ये वाला पार्ट, ये जो है हमारा बैक पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से होता है जब आप ट्राउजर कटिंग करते हैं। तो कहाँ पे हमारी गलती होती है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारी जहाँ हम गलती करते हैं कटिंग करने में, तो वो होता है ये आसन। तो ये जो हम यहाँ से आसन लेते हैं, तो फर्स्ट तो ये होता है कि आसन लेने में अगर आप आसन को ज़्यादा कटिंग कर देंगे, ये आसन की जो कटिंग है अगर आप ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो है ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो सेकंड होता है वो होता है देखिए इस तरीके से, जो ये हम मार्क लगाते हैं यहाँ पे, ये आपको इसके मिडल में मार्क लगाना होता है इस तरीके से एकदम इक्वली। यहाँ से आप कोई मार्क नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ अगर बस सपोज अगर आप सोचो कि यहाँ से 2 या 2.5 इंच, यहाँ की कोई मेजरमेंट इसका नहीं होता फिक्स, हर साइज में ही अलग अलग होता है। तो आपने क्या करना है, जो आप यहाँ का थाइस का मार्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के मिडिल में मार्क लगाएंगे, देखिए इस तरीके से स्ट्रेट, फिर ही हम जो है सारी मार्किंग इसमें करेंगे। तो आपकी पैंट में कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से, तो ये जो है लगभग जो है ये 3 इंच एक्स्ट्रा होता है। देखिए इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट से जो ये बैक पार्ट होता है वो 3 इंच एक्स्ट्रा होता है। मैं डिटेल वीडियो इसमें लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे ट्राउज़र की, तो वो वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी। अगर इसी वीडियो में मैं सब चीज़ बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आप वीडियो का वेट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को दबा के रखेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखिए इस तरीके से ये जो है हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करते हैं बैक वाले पार्ट की, और आसन की जो है हर साइज में अलग होता है। ये थाइस के अकॉर्डिंग भी होता है और ये जो है हिप्स के अकॉर्डिंग भी होता है। सपोज हिप साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखिए अगर आपका हिप साइज है 36 इंच, तो आप क्या करेंगे 36 में प्लस करेंगे 3 इंच, तो होता है 39 इंच। 39 इंच अब जो है 39 का जो है हम 1/4 करेंगे, 39 का हम 1/4 करेंगे, तो 39 का जो 1/4 होता है वैसे वो 10.25 इंच होता है। तो हम यहाँ पे 10 इंच ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 इंच हम ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से 10 इंच हम लेंगे। अब ये 10 इंच हमने यहाँ पे किस तरीके से लेना है वो देख लेते हैं हम। यह फ्रंट वाले पार्ट की इस तरीके से आप 1 इंच रखेंगे और जहाँ पे भी आपका 10 इंच आएगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे, जहाँ पे भी आपका 10 इंच आएगा वहाँ पे आप इसको मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम आसन की मार्किंग करेंगे। एंड थाइस के अकॉर्डिंग भी किस तरीके से करेंगे एक डिटेल वीडियो मैं इस पर लेके आऊँगी, जिसमें फुल प्रैक्टिकली मैं आपको इसमें कटिंग मार्किंग प्रॉपर दिखाऊंगी।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।